हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ चावल का ढोंगी, जो चावल का जो लड्डू बोलते हैं, चावल का जो हम लड्डू बनाते हैं उसको ही हम यूपी के भाषा में ढोंगी बोला जाता है, जो मकर संक्रांति पे बनाते हैं। तो आज मैं वही बनाने वाली हूँ, तो आप लोग देखिए मैं कैसे बनाती हूँ, आगे का प्रोसेस कैसा रहता है ढोंगी का। तो सबसे पहले गैस को मैं ऑन कर दूँगी। इसके बाद मैं ये चावल के आटे को मैं देसी घी में फ्राई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि घी में कुछ भी बनता है तो ज़्यादा ही टेस्टी बनता है, घर का घी हो तो बहुत ही ज़्यादा। तो सबसे पहले मैं इसमें घी डालती हूँ। देखिए ही मैं डाल चुकी हूँ एंड मैं इसमें चावल का आटा डालती हूँ। चावल को आटों को ध्यान रखना है कि हमको एकदम धीमी आंच पे पकाना है, ज्यादा तेज आंच करके नहीं पकाना है, क्योंकि ज्यादा तेज आंच करेंगे तो फट से हमारा आटा लाल हो जाएगा, जो कि अच्छे से हुआ नहीं रहेगा। तो हमको उसकी धीमी आंच पे ही पकाना है। चावल के आटे को हमको अच्छे से एकदम ब्राउन कलर का इसको भूनना है, तभी हमारा ढूंढी बहुत अच्छे से बनेगा एंड टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, स्मेल भी बहुत अच्छा आएगा ढूंढी का। देखिए आप लोग, एकदम आटा एकदम ब्राउन कलर हो चुका है, मैं इसको निकाल लूंगी। आटा एकदम रेडी हो चुका है, मैं गैस को बंद कर लेती हूँ। अब देखिए आटे को मैं एकदम ब्राउन कलर भून चुकी हूँ, एकदम पूरा अच्छे तरीके से एकदम ब्राउन कलर मैंने भून लिया है आटे को। अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स डालूंगी। आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर डालूंगी, एक कटोरी खोवा डालूंगी इसमें, अब मैं बनाऊंगी ढूढ़ी के लिए चाशनी। तो मैं ढूढ़ी की चाशनी के लिए मैंने एक कटोरी चीनी लिया है, फिर आधा कटोरी यानी कि मैंने डेढ़ कटोरी का सीढ़ा बना रही हूँ, डेढ़ कटोरी चीनी का। अब मैं इसमें एक कटोरी इसी कटोरी से पानी ऐड करूंगी। जब तक ढूंढी की चाशनी पक रहा है तब तक मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ चावल में सब। ये जो चावल का आटा है और खोए को सब अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब चावल के आटे में जो मैं मावा डाली थी उसको अच्छे से हाथ से रगड़ के मिक्स कर लेना, ताकि आटे में एकदम अच्छे से मावा मिक्स हो जाए, कहीं ऐसे गांठ ही ना रहे चावल में आटे में। अब देखिए आटे में मावा एकदम अच्छे से मिक्स हो चुका है, एकदम रेडी हो गया है। अब हमारी चाशनी पक जाएगी तो इसमें डाल के हम थोड़ा थोड़ा डाल के हम ढूढ़ी बना लेंगे, उसके बाद ढूढ़ी बन जाएगा। तो आप लोग अच्छा अच्छा कमेंट करना है, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना कि ढूढ़ी में कैसे बनाए हूँ, जरूर बताना। अभी थोड़ा आगे का प्रोसेस बाकी है,
पूरा नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ आटा ही मिक्स करके तैयार हुआ है एकदम। देखिए अभी चाशनी हमारा उबाल नहीं आया, चाशनी में अभी आएगा उबाल कुछ देर में, अभी टाइम है। अगर हम ढूंढी इस तरीके से बनाएंगे यानी कि चावल का लड्डू, तो हम एक महीने के दो महीने तक रख सकते हैं, बिल्कुल खराब नहीं होने वाला है अगर इस तरीके से बनाएंगे ढूंढी तो। हम चावल का लड्डू, हाँ ढूंढी तो यूपी में बोलते हैं हम लोग ज्यादा। देखिए अब चाशनी हमारा पक रहा है, अभी हुआ नहीं है, जब एक तार की चाशनी हो जाएंगे एंड चाशनी में चिप चिप आने लगेगा तो हमारी चाशनी पक के रेडी हो गया है समझो। अभी टाइम है थोड़ा। अब देखिए हमारा चाशनी रेडी हो चुकी है, एक तार की चाशनी हमको बनाना है लड्डू के लिए एंड उड़ी के लिए। हो चुका है हमारा चाशनी। अभी चाशनी को हम आटे में थोड़ा थोड़ा डाल के हम लड्डू बनाएंगे, एक साथ सब नहीं डालना है, नहीं तो ये ठंडा हो जाएगा तो लड्डू बनेगा नहीं, पूरा एकदम फैल जाएगा आटा, मतलब गोल गोल लड्डू बनेगा ही नहीं, इसीलिए हमको थोड़ा थोड़ा चाशनी चावल के आटे में डाल के बनाना है, गरम गरम ही बनाना है, ठंडा नहीं होने देना है। देखिए अब मैं आटे में चाशनी को डाल के मिक्स कर रही हूँ। अब देखिए चाशनी को मैं आटे में एकदम अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अब मैं इसको बनाऊंगी एकदम छोटा छोटा लड्डू ढूढ़ी। हाँ ये देखिए ऐसे ऐसे लड्डू बना रही हूँ मैं, बहुत ही टेस्टी होता है एंड ऐसा बनाने से, इस तरीके से बनाएंगे ना तो एक या दो महीने तक खराब नहीं होगा ऐसा लड्डू बनाएंगे। एकदम अच्छे से पका के चाशनी को एंड चावल को भी अच्छे से भून के। यहाँ पे तो सब लोग अधिकतर चावल के लड्डू बोलते हैं, गांव में यूपी में तो यही मकर संक्रांति पे ही इसको बनाते हैं, ढूंढी बोलते हैं इसको। तो आप लोग भी जरूर ऐसा ट्राई कीजिए, एक बार बना के रखो दो महीने तक खाओ, खराब नहीं होगा बिल्कुल भी। ऐसा लड्डू बनाएंगे तो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होगा, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हेल्थ इश्यू नहीं होगा ऐसा लड्डू बना के खाने से, कभी भी बनाओ कभी भी खाओ। तो अब देखिए लड्डू पूरा बनके रेडी हो चुका है, मैं लड्डू बना चुकी हूँ एकदम। तो अब आप लोग कमेंट में जरूर बताना लड्डू कैसे बनाई हूँ मैं।